रसना जी, बड़े प्यार से कहना धनकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल निरंकारी सॉन्ग पर। सासवें जी, नरक इस जीवन में क्या है? आज की इस छोटी सी कहानी में हम समझ पाएंगे कि हम अपने जीवन को नरक खुद ही बनाते हैं। हमारा जीवन तो परमात्मा ने बहुत अमोलक और बहुत सुंदर बनाया है, लेकिन हम अपने कर्मों से इसे नरक में बदल देते हैं और हम अपने कर्मों से इसे स्वर्ग में भी बदल सकते हैं। तो सत्संगत, एक इंसान दूसरे से ईर्ष्या करते हुए, जलन करते हुए अपने पूरे जीवन को नरक में झोल देता है, नरक के अंदर अपने जीवन को बिता देता है। कैसे? वो हमेशा दूसरों से जलता रहता है, दूसरों से ईर्ष्या करता रहता है, लेकिन ये जीवन तो प्रभु परमात्मा ने हमें इस काम के लिए तो दिया ही नहीं है। ये वो भूल जाता है कि ये जीवन तुझे इंसानों से प्यार करने के लिए, इनसे खुश होने के लिए तुम्हें ये जीवन मिला है, ना कि इस प्रभु के बनाए हुए बंदों से जलने के लिए। तो इसी प्रकार एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक शिष्य था। सत्संगत, वो महात्मा बुद्ध का वो रिश्तेदार भी था। सत्संगत, उसका नाम देवदत्त और वह भगवान बुद्ध का सत्संग चचेरा भाई भी था। अब सत्संगत तो रिश्तेदार भी था, उनका शिष्य भी रहा, लेकिन सत्संगत उसके जीवन में कभी बदलाव नहीं हुआ। वो हमेशा भगवान बुद्ध के लिए अपने मन में ईर्ष्या लेकर घूमता रहा। उसने कई बार भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध को, महात्मा गौतम बुद्ध को मारने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। फिर सत्संगत एक बार वो राजा अजात शत्रु के पास गया और कहने लगा कि मैं बुद्ध और उसके सारे भिक्षुओं को, उसके जितने भी शिष्य हैं, उनको मौत के घाट उतारना चाहता हूँ, मारना चाहता हूँ, इस करके मुझे आपकी मदद चाहिए। परंतु सत्संगत, अजात शत्रु खुद भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध का अनुयायी हो चुका था। उनके विचारों से प्रभावित होकर, उनके विचारों से वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और वो उनको मानने लगा। उनके विचार वो हमेशा सुनता था और उनकी बातें भी हमेशा समझता और सुनता था। तो उसने उसको कह दिया कि यहाँ से चुप करके चला जा, ऐसा ना हो कि मैं तुझे ही मौत के घाट उतार दूँ। सत्संगत, राजा अजात शत्रु से ऐसी बात सुन करके वो वहाँ से दबे पांव भाग लिया और फिर उसने योजना बनाई कि मैं अकेले ही महात्मा बुद्ध को मारूंगा। तो एक बार महात्मा बुद्ध जा रहे थे सुनसान रास्ते पर, वो छिप करके बैठ गया और जैसे ही महात्मा बुद्ध गुजरे तो वो उनके पीछे से उसने वार किया, एक कटार फेंक करके मारी ताकि महात्मा बुद्ध की पीठ में लग जाए और वो गिर जाए और उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाए। लेकिन शासन प्रभु को कुछ और मंजूर था, उसका निशाना चूक गया और वो कटार महात्मा बुद्ध को नहीं लगी। और फिर थोड़े ही समय बाद महात्मा बुद्ध फिर एक रास्ते से गुजर, और जिस रास्ते से वो महात्मा बुद्ध गुजर रहे थे वो एक पहाड़ी के बीच से बिल्कुल संकरा सा छोटा सा रास्ता था। और उसने योजना बना ली कि जब महात्मा बुद्ध यहाँ से गुजरेंगे तो मैं ऊपर से पत्थर फेंक दूंगा और वो पत्थर जब महात्मा बुद्ध पर जा करके गिरेगा तो महात्मा बुद्ध की जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाएगी इस पहाड़ी पर। सत्संगत, उसने यही योजना बना करके वहाँ पर बैठ गया पहाड़ी पर। और महात्मा बुद्ध जब वहाँ से गुजरने लगे तो उसने एक बड़ा सा पत्थर, गोल सा, सरकाना शुरू कर दिया और महात्मा बुद्ध के ऊपर फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार था। लेकिन सत्संगत, हुआ उससे उल्टा, वो उस पत्थर के साथ उलझ गया और वो खुद ही उस पहाड़ी से नीचे आ गिरा। जब वो नीचे आकर के गिरा तो महात्मा बुद्ध ने उसे देखा और संभाला और अपने साथ अपने शिष्यों को लेकर के, अपने जो
उनके अनुयायी थे उनको लेकर के उसकी मलम पट्टी की, उसका उपचार किया और उसको संभाला। सासंत ये देख करके वो बड़ा हैरान हुआ कि मैं तो किस प्रकार इनको मारना चाहता था, इनकी जीवन लीला समाप्त कर देना चाहता था, लेकिन ये तो मुझे ही ठीक करने में लगे हुए हैं। मेरी ही सासंगत जो तबीयत है उसको ठीक करने में लगे हुए हैं, मेरी हालत सुधारने में लगे हुए हैं। मैं कैसा इंसान हूँ, मैं अपना सारा जीवन महात्मा बुद्ध से ईर्ष्या करते हुए, द्वेष करते हुए इनको मारने की योजनाएं बनाता रहा और अपना सारा जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया। और कभी प्रभु का चिंतन, कभी प्रभु का भजन सिमरन मैंने अपने जीवन में नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों को अपने से छोटा समझना, दूसरों के साथ ईर्ष्या द्वेष की भावना रखना, यही मैं अपने जीवन में करता रहा। लेकिन अब मैं अपने इस जीवन को इस तरह से बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता और ना ही अब मैं अपने जीवन को बर्बाद होने दूंगा। और सत्संगत वो एक सच्चा भगत, वो एक सच्चा अनुयायी प्रभु का बन करके अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और सत्संगत हमारे साथ भी कहीं ऐसा तो नहीं, हम भी किसी से द्वेष की भावना, जलन की भावना अपने मन में पाल करके तो नहीं बैठे हैं और उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं? लेकिन सत्संगत ऐसी भावनाओं को, ऐसी जो दूर सोच है, बुरी सोच है, उसको अपने जीवन से हमें हटाना पड़ेगा। तभी सत्संगत हमारा जीवन आनंदमय सुखमय हो सकता है। क्योंकि सत्संगत अगर बर्तन कुछ खाली होगा तभी उस बर्तन में कुछ और नई चीज डाली जा सकती है, लेकिन बर्तन पहले ही जो भरा रहेगा उसमें हम कुछ नहीं डाल पाएंगे। तो सत्संगत हमें अपने मन का कोना साफ करना पड़ेगा, मन की मैल को हटाना पड़ेगा। सत्संगत हम अभी देखते हैं कि बहुत सारे जगह से बहुत सारे लोग तीर्थ यात्राओं पर निकले हुए हैं, कोई हरिद्वार, कोई शिरडी, कोई कहीं, बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पर अपना माथा टेकने, अपनी मन्नत मानने के लिए गए हुए हैं। लेकिन सत्संगत अगर हम वहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं तो सत्संगत ये कल्याण होने वाली बात नहीं है हमारे। अगर सत्संगत हम वहाँ जा कर के अपना ये तन तो धो लेते हैं लेकिन मन में वही भावनाएं, दूसरों से जलन करना, दूसरों को पीड़ा देना, दूसरों की बात ना सुनना, वही सारी भावनाएं अगर हम अपने जीवन में लेकर के चल रहे हैं तो सत्संगत हमारा ये जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। हमें सत्संगत इन बातों को बड़ी गौर से और बड़े ध्यान से अपने जीवन में शामिल करना है कि किस प्रकार हमें ये जीवन जीना है। अब सत्संग सतगुरु समय समय पर समझाते हैं, इंसान को ही कहा जाता है कि तू इंसान बन, और हमें सत्संग इंसान बन करके ये जीवन व्यतीत करना है। यही अरदास और बेनती है सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना धन्यकार जी।